आपने मौका दिया मुझे और मुझे लायक समझा कि मैं आपके ज्वाइन होके आप लोगों के साथ कुछ अच्छा काम कर सकूँ, मुझे मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नूर खान जी जैसे काफ़ी टाइम से मेरी बात हो रही थी, मैंने खुद इंटरेस्ट दिखा तो आप ज्वाइन होने के बाद आपसे बात की और इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी सबल सकेगा इस संस्था के लिए मैं अपनी तरफ से और मुझे खुशी इतना क्यों ले रही है यार? जैसे कि जैसे अभी आप ने बताया मैडम ने या बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे हैं जी, तो हर एनजीओ का एक बिजनेस बना के रखा है जी। सामने देखिए कि 2000 में आपको ये पोस्ट देते हैं, 3000 में आपको वो पोस्ट देते हैं, 4000 में आपको ये पोस्ट देते हैं, मतलब उन्होंने पोस्ट देने का एक बिजनेस बना के रखा है। लेकिन ये संस्था ऐसी नहीं है, आप अगर कैपेबल हो तो आपको पोस्ट दी जाएगी, ना कि आप 5000 दो तो आपको मुंबई का पोस्ट मिल जाएगा, 10000 तो आपको महाराष्ट्र का पोस्ट मिल जाएगा। इसमें पैसे का कोई भी वास्ता नहीं है, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो जिस कैपेबल है, जो जितना समर्थ है, वो उसको उसी का उसी लेवल पर उसको पोस्ट दिया जाएगा। जैसे कि कोरोना काल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग ऐसे मदद किए हैं जो लोगों तक मैसेज नहीं पहुँचाया है और ना पहुँच पाया है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जैसे फेसबुक हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, ट्विटर, इस तरीके से लोग एक दूसरे तक मैसेज पहुंचता है। ये हमारे तक भी मैसेज आता रहता था जो एक दूसरे फ्रेंड के जरिए से आता था, और हमने देखा काफ़ी लोग जो अच्छा काम किए, मीरा भाईंदर के अंदर जो लोग हैं और हमारे मुंबई अध्यक्ष सुमित सिंह जी हैं और पालघर जिला अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह जी हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं देखा जाए हर लोग कंटिन्यू काम करने में लगे थे। तो हमारा ऐसे मकसद हो कि आज के दिन हम कोरोना काल के जो लोग मदद किए हैं लोगों तक ऐसे माहौल में, उनको सम्मान का एक सम्मान रखा जाए, तो ये सम्मान हमने रखा सबके लिए जो कोरोना काल में उन्होंने मदद किया। और हम ये नहीं कहेंगे सम्मान के लिए बहुत बड़ा काम किया है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन सम्मान देने से उनका हौसला एक बुलंद होता है। अगर वो कहीं ना कहीं 10 लोगों को मदद किया रहेगा कोरोना जैसे काल में, तो उनका एक बुलंद हौसला और बढ़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका हौसला बुलंद हो, 10 की जगह 20 करेंगे, 50 करेंगे, तो एक दूसरे तक वो मैसेज पहुंचता है। गर्व है ये जो कोरोना के टाइम में जो हमारे सुमित हैं और नूर खान हैं, ये लोग सब जो दिन रात जो काम करते थे वो सराहनीय है, और ये हर वक्त हर जगह पहुंचे हुए हैं लोगों को खिलाने के लिए, मदद करने के लिए, कुछ चीज़ें उन तक पहुँचाने के लिए। वो ये नहीं उम्मीद कर रहे थे कि ये आए और हमारे पास ले जाएं, ये खुद जाते थे, उन तक पहुंचते थे ज़रूरतमंदों तक। तो इसलिए हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं जो कि हमारे नेशनल फाउंडर भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं आबिद और हामिद, उन दोनों के वजह से आज हमको इतना एक पाक मुकद्दस प्लेटफॉर्म मिला है जो इंसानियत के बेस में हमको काम करते हैं। हमारे संस्था में कोई जात धर्म कुछ नहीं है, हमारा जो 24 आवर्स हम सर्विस देने के लिए ही हमने सब सक्षम उतरे हैं ज़मीन के अंदर इस देश के। हम बिना स्वाद देखे हम लोग इस ज़मीन के अंदर इस देश के भलाई के लिए उतरे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जो हमको इस संस्था ने सिखाई है। बस बस, बस। की वजह से आज लेडीज लोग को शादियां नहीं हो रहे और माँ बाप भी जो है उनको उतना शादी में सेटल कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में वुमेन्स लोगों का जो पूरा करियर हो या उनका पूरा लाइफ जो है वो स्पॉइल हो रहा है। और एक जो लेडीज जो है वो आगे आके बता नहीं पा रहे, मगर जो मैंने बिकॉज आई डिड माई LLB में लॉयर होने के नाते मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था, और मैंने बोला कि अगर ये डाउरी चलता ही रहेगा और जब डाउरी का कानून एग्जिस्टेंस में है तो इसको पूरी तरह से इसको लागू करो, इसके हिसाब से हर शादी में आप लोग चेक कीजिए कि वेदर कोई डाउरी इंक्लूडेड है या नहीं है। तो ये जो इसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया है कि हर गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए जो हर शादी में जाके चेक करे कि सही में लड़कियों से डाउरी लिया गया है या नहीं लिया गया, अगर लिया गया है जबरदस्त करके या उनको फोर्सफुल कर दिया एनी डाउरी हैज बीन गिवन विदाउट एनी फोर्स आल्सो, तो उनको जो दिया है उसको भी अरेस्ट हो कर सकते हैं और जो लिया है उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। बोला जाता था लेकिन वो भी शहरी बात में आ गया है,
और एक्टिव मेंबर तो हर जगह पे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पार्षद जी ने जैसे काम हुआ स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश से जो भी मैसेज हमको मिला कि गांव खेड़े में जैसे मैसेज पहुँचाया जाए या संस्था को बढ़ाया जाए या संस्था के माध्यम से लोगों की मदद कैसी हो जाए तो उस हिसाब से पालघर जिले में बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है और पूरी टीम की तरफ से फिर हमने वो मीरा बहेंद्र की एक टीम रेडी की उसके बाद सुमित सिंह की एक बॉम्बे की टीम रेडी की तो ये गांव से लेके शहर तक हम अभी आगे तक पहुँचे हैं।